आज हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं, अकेले हैं और मेरे साथ कैमरामैन टीम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हम चलते हैं उस नदी के पास और नदी के बीच में जाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। गाइज आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 500 नहीं तो 600 सागवान पेड़ लगा हुआ है। ये हंडपा रेलवे स्टेशन की तरफ से लगा हुआ हुआ है, तो देखिए यहाँ से 500 नहीं तो 600 सागवान का पेड़ लगा है, लेकिन बड़ा बड़ा हो गया और 5 साल हो गया ये लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये रेल का यहाँ तक जमीन खरीद ले चुके हैं। यहाँ तक वहीं से 100 मीटर होगा, 100 मीटर होगा यहाँ से दूर से ये रेलवे गवर्नमेंट ने सरकार ने खरीद लिया है जमीन। इसके बाहर और नहीं खरीदा है, ये बॉर्डर है उसका। देखिए हम चलिए आगे जाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम नदी के बीच में आ गए हैं और बीच में जाते हैं, तो आप जब भी यहाँ पर फंस जाए तो अच्छे से सही तरीके से जाइए, लेकिन ये देख सावधानी से जाना चाहिए क्योंकि नहीं तो मेरे को कोई जानवर अटैक कर सकता है, तो ये मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है। तो चलिए आगे। तो पसंद है तो सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट कर देना है। बारिश के मौसम के कारण इसीलिए पानी गंदा है, तो यहाँ कल रात को बारिश हुआ था तो इसीलिए पानी ऐसा मिट्टी की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ खाने के लिए मछली फछली भी मिल जाएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे नर्दमा है, तो यहाँ पर मेरा पैर 1 फुट नीचे धंस गया है, तो हम सावधानी से आगे जाते हैं। ये देखिए मेरा चप्पल भी टूट गया है, तो कैसे करेंगे ये यहाँ फिर वापस इसको घुसाएंगे तो आगे चलते हैं। तो देखिए हम कैसा गरीब आदमी हूँ, तो ये छोटा सा चप्पल पहनकर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए कैसा हरा भरा है जंगल, यहाँ पर बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी बह रहा है। एक साल 2 साल पहले एक गाय को इतनी बारिश हुआ कि इस नदी से एक गाय को बहाकर डुबा के ले गया अपना आठमलिक जोर के पास। तो गाय यहाँ पर हम फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे जाने के लिए। तो गाय देख लीजिए हमारा चप्पल ठीक हो गया, तो अभी पहनते हैं हम। तो गाय देख रही है ना, यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी मिल सकता है, लेकिन हमको कोई भी स्नेक अटैक कर दिया तो हमारा वीडियो यहीं पर आखिरी वीडियो होगा और आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम जिंदा रहेंगे तो आपको कुछ इसी का वीडियो दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, छोटे भाई के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाय देख रहे हैं ना यहाँ कितना खतरनाक नदी है, यहाँ पर क्रोकोडाइल हो सकता है। हम यहाँ से सावधानी से जाते हैं क्योंकि ये इस बांस का पेड़ कह देता है कि यहाँ पर खतरनाक नदी है, तो हम सावधानी से आगे जाते हैं। तो यहाँ पर कितना पानी होगा हम आपको माप के बताएंगे। तो देखिए यहाँ कितना खतरनाक जंगल है, देखिए यहाँ पर नदी भी बहुत खूबसूरत है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पर मेरा जान भी चले जाएगा तो ये मेरा आखिरी वीडियो होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सही से वीडियो बनाएंगे और घर जाएंगे और आपको एंटरटेनमेंट करेंगे। तो हमारा ये देखिए इतना तक भी पानी हो गया। अरे वाह रे वाह, इतना पानी हो गया रे, मैं क्या डूब के मर जाऊँ क्या? अरे नहीं रे, तेरे माँ की रे, नहीं मेरा चप्पल भी फंस गया है, तो ये ऊपर आ गया। ये देखिए यहाँ पर तो क्रोकोडाइल नहीं होता है, मैं आपको झूठ बोला तो इसीलिए यहाँ पर क्रोकोडाइल नहीं होता है, लेकिन स्नेक एनाकोंडा हो सकता है। यहाँ पर बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहता है और गर्मी के मौसम है और यहाँ पर पानी भी नहीं सूखता है, तो यहाँ पर गांव के लोग मछली मारने के लिए आते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? तो हम यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा से आ गया है, तो हम बियर गाल की जैसा, तो हमारे पास तो कैमरामैन टीम भी नहीं है, कोई भी सफर नहीं करता, तो इसीलिए हम अकेले वीडियो बनाता हूँ। तो आपको प्लीज़ छोटे भाई के लिए तो सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए ना। और यहाँ पर नेपाल से एक बच्चा ने भी वीडियो बनाता है अकेला, भी वो भी अकेला वीडियो बनाता है, मैं उसी के देख के मैं भी अकेला ट्राई करता हूँ। तो जो जिस जिसको बोलता हूँ आने के लिए वीडियो बनाने के लिए आओ, तो बोलते हैं खाने के लिए कुछ दो, नहीं तो यहीं जाऊँगा, क्या करेंगे, मेरे पास तो पैसा नहीं है, गरीब हूँ, इसीलिए मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं देता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए इसी हॉल से हमको कंकड़ा मिल सकता है खाने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे खाने के लिए। तो देखिए मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों
यहाँ पर अर्जुन पेड़ पेड़ का छिलका है, और छिलका आप जहाँ भी घाव हो सके, घाव है वहाँ पर ये कूट के और पीस के लगा दे तो आपका जो घाव है ठीक हो सकता है। तो हम दिखाएंगे ये अर्जुन का, ये देखिए ये अर्जुन का छिलका है। आप, मैं झूठ बोलता हूँ तो गांव के लोगों के बारे में पूछ लीजिए, अर्जुन का पेड़ का छिलका क्या काम है। तो आपके पास बड़ा से बड़ा घाव है, ये छिलका लेकर आप कूट के पीस के और लगा दीजिए वो घाव पर, और आपका घाव भी ठीक हो सकता है। मैं एक पारादीप में ऐसा इस ग्रुप में ड्यूटी किया था करना था, तो एक मेरे फ्रेंड ने बोला, क्या तुम्हारे गांव के पास एक अर्जुन का पेड़ है क्या? मैं बोला हाँ। तो इसीलिए वो बोला, तुम जब भी घर आओ मेरे लिए एक अर्जुन का पेड़ ला कर आओ। तो हम बोला सही है, ठीक है, ला के आते हैं। तो हम तो घर आए हैं, यहाँ पर वीडियो बनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो चलिए, ये देखिए अर्जुन का पेड़ है, ये मरा हुआ पेड़ है, तो कच्चा नहीं तो सूखा भी हो सकता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो वहाँ भी देखिए कितना सा ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, लेकिन हमको थोड़ा घबराहट हो रही है कि हम अकेले आए हैं। मैं सच बोलता हूँ, माँ कसम, हम अकेले आए हैं वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर कितना पानी होगा मेरे को तो मालूम नहीं। 1 किलोमीटर होगा जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए रास्ता है। तो हम यहाँ पर बीच में फंस चुके हैं, तो अभी यहाँ पर बारिश ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ से हमारा जान भी जा सकता है। तो ये देखिए कितना खतरनाक नदी है। तो हम डरते नहीं, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो क्या सर, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए मेरा यहाँ पर नेक तक पानी भी आ गया है, तो और यहाँ पर थोड़ा हम डूब लेते हैं। क्या अच्छा लग रहा है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कुछ खाने के लिए कुछ मिल जाएगा तो देखेंगे, यहाँ तो नहीं है। चलो कंकड़ा भी आज खाने के लिए मिलता भी नहीं है। यहाँ पर कितना पानी है, चलो अभी अभी हम जा नहीं सकते, यहाँ पर कीचड़ से कीचड़ भरा हुआ है नीचे। तो हम यहाँ पर मच्छर होगा तो हम यहाँ पर मिट्टी हमारे मुंह के ऊपर पीसेंगे, क्या बोलते हैं हिंदी में, तो पीसेंगे। तो देखिए हम अभी चलते हैं पीसने के लिए। पहले पहले हम ये चश्मा उतार देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे लगाएगा तो कोई भी हमको देखेगा तो बोलेगा पागल है, पागल हो गया है क्या। शाला क्या कैसे लग रहा है ये पुराने जमाने के लिए आदमी, ये आजकल तो साबुन तो मिल गया, तो पुराने जमाने के लोग ने ये मिट्टी से मुंह का सिर का साफ करते थे। तो चलिए अब दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना चाहिए हमको। तो हम ये चश्मा अभी पहन लेते हैं, अभी कैसा लग रहा है बताओ, कमेंट करके जरूर बता देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा टाय। 1 किलोमीटर होगा रास्ते जाने के लिए, और खाने के लिए तो कुछ भी मिला नहीं। देखिए उस तरफ, देखिए कितना अच्छा सा नजरा है। तो हम 2 किलोमीटर आ गए हैं इस तरफ। देखिए हम अगले एपिसोड में कच्चा भी खा लिया था, लेकिन मेरे अंकल ने मेरे को गाली किया, साला तू क्या वीडियो बना रहे हैं, तू क्या चाइनीज हो गया, मैं तेरा वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे को खाने के लिए भी पसंद नहीं है, तो साला वीडियो बंद कर, पहले डिसलाइक मार दे मेरे, आकर अनसब्सक्राइब कर दे, मैं बोला कर दीजिए काका जी। तो भाई लोग आजकल जिसके पास पैसा है ना उसी की तरफ जाते हैं लोग, मेरे पास तो पैसा नहीं है, और मेरे हमारे फ्रेंड वीडियो जो बनाते हैं ना वो भी नहीं आए, तो बोले आओ वीडियो बना के लिए, वो बोलते हैं पहले खाने के लिए दो, हम जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए चलिए हमारे पास तो पैसा नहीं, हम अकेला भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये मत भरोसा तोड़ना कि आप जहाँ पर एम लगाते हैं ना उसी पर जितना भी बाढ़ आए, बारिश आए, जितना भी तकलीफ होगा ना ये पर चलते रहिए। और आप पीछे से लोग कितने से कितने गंदे बात करेंगे आपके बारे में, ये अच्छा नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पर ध्यान दोगे तो आप एम पर नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए आप जितने भी बार जितने भी कष्ट दर्द चाह भी हो सहे के आगे चलते रहिए, एक दिन आप मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर
आगे जाते हैं उस तरफ। यहाँ पर तो थोड़ा बांस का कंटा है ना, इसलिए हम ऊपर से जाएंगे। और चप्पल फिर से टूट गया है, और टूटता नहीं ये खींच के निकल जाता है, यहाँ फिर से लगा दिया। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा चेहरा कितना खतरनाक दिखता है ना। अभी यहाँ पर छठा बच्चा नहीं तो लड़की आ जाए तो हमको देख के वो भाग जाते हैं कि यार ये जानवर है क्या है। इसीलिए हम यहाँ पर छुप के बैठते हैं, जो भी आएगा उसका हमला करेंगे तो डर जाएंगे। तो देख लीजिए अर्जुन का कच्चा पेड़ है, ये कच्चा पेड़ आपको घाव को जितना से दर्द होगा ये आपको छिलका लेकर आप पीस के ग्राइंडर करके भी आप घाव पर लगा सकते हैं तो घाव ठीक हो सकता है। लेकिन हमारा चेहरा देखिए कितना सा डेंजरस हो रहा है। तो मेरे भाई हमारा मुझे कैसे लगे तो कमेंट करके बता देना। तो देख लीजिए यहाँ पर भी खतरनाक है, इतना सा ज़्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन आपको बारिश के मौसम में यहाँ पर फंस जाए तो आपको जान भी जा सकता है, तो स्नेक भी हो सकता है, इसलिए हम सावधानी से जाते हैं ऊपर। यहाँ पर खेत का पानी यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी बारिश के मौसम है ना, और खेत से पानी निकल रहा है नदी के पास। तो इसी तरह आप एम लगाइए वो आदमी पीछे आपको, जो लोग जहाँ भी कहाँ या करता है या क्या को गलत है क्या कर रहा है तो जो भी भाई को बोलते हैं तो आप पीछे वाला बात बात मत भूलिए और उसको ध्यान मत दीजिए, आप आगे चलते रहिए, आप ज़रूर कामयाब हो गए। तो भाई हम आ गए हैं उस तरफ, इस आवाज़ दे रहा है तो ये कुछ खाने के लिए मिल गया है। तो हमारे वीडियो को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ ककड़ा फकड़ा मिल सकता है क्या, यहाँ पर नहीं है तो हम रुकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, और कंटिन्यू देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। वहाँ पर रास्ता रोड है, नेशनल रोड, हम जाते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, टाटा बाय बाय। ये तो सब काम खाने के लिए मिल गया है तो चलते हैं, रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की, जय जवान जय किसान। तो हम यहाँ पर थोड़ा डूब लेते हैं, रहता हूँ।